जय हिंद सभी को, राम राम। 16 सितंबर की शाम ओआरओपी के नाम जितने भी पेंशन भोगी अथवा पेंशन धारक भूतपूर्व सैनिक अथवा हमारे जितने भी ईएसएम है मिलिट्री वेटरनर्स है, आप सभी को जैसा कि पता ही होगा कि 16 सितंबर 2022 सबसे महत्वपूर्ण डेट है। आपको इस दिन आपकी सौगात मिलने वाली है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ शेयर का बटन दबा दीजिए। साथ ही नीचे व्हाट्सएप का ग्रुप है उसको भी जुट जाइए ताकि आपको हमेशा अपडेट मिलते रहे। 16 सितंबर की शाम आपको ओआरओपी के नाम इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे 16 सितंबर को हियरिंग है और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत बड़ा वर्डिंग निकल के आने वाला है। आप सभी को पता होगा कि आज ओआरओपी का जो एरियर है उस पे काफी मुद्दा निकल चुका है और एक्टिव हो चुकी है सरकार। पिटारा खुलने में कोई देरी नहीं होगी और जैसा कि पेंशन भोगियों को इस समय सबसे मीडिया हाउस हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे ट्विटर हैंडल हो, चाहे पीसीएडए की वेबसाइट हो, सब जगह आपको ओआरओपी की न्यूज मिल रही होगी। तो आप जैसे कि जान रहे हैं कि 16 सितंबर को सुनवाई की डेट है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा निर्णय ले लिया गया है पेंशन भोगी अथवा पेंशन धारक भूतपूर्व सैनिकों की। बल्ले बल्ले, चलिए आते हैं और देखते हैं न्यूज क्या क्या निकल के आई है। पेंशनर भोगी जितने भी हैं तमाम उनके लिए यहाँ पे एक बड़ी न्यूज निकल के आई है, वो भी हमको बता देते हैं साथ में कि यहाँ पे आपका स्पर्श का धीरे धीरे सभी को आपका मिलने वाला है। आईडी और पासवर्ड बरकरार रहिए चैनल के साथ। एक चीज बता दूं, अगर आप खुद से भी कर सकते हैं अपना स्पर्श पीपीओ नंबर आप खुद से भी फाइंड कर सकते हैं, आप अगर वहां जाएंगे तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो बता दूंगा। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं सभी को मैसेज आना स्टार्ट हो गया। ये भी किसी पेंशन भोगियों का है, वो है सिपाही दीपक यादव का अकाउंट नंबर, यहाँ सब कुछ दिया हुआ है। चलिए आप देख सकते हैं स्क्रीन में 12 सितंबर 2022 की सबसे बड़ी अपडेट हमारे मेजर जनरल सतवीर साहब के द्वारा निकल के आ रही है, जो कि हमारे एक्स सर्विस मूवमेंट के चेयरमैन हैं। मेजर जनरल सतवीर साहब ने यहां पे ट्वीट कर दिया कि यहां पे लेटर जो है रिटर्न टू ऑनरेबल रक्षा मंत्री रिगार्डिंग नॉन पेमेंट ऑफ ओआरओपी एरियर 1 जुलाई 2019 से जो आपको एरियर मिलना था उसका जो भुगतान होना था वो अभी तक नहीं हुआ। कहां सरकार की चूक हो रही है और कहां पे दिक्कत आ रही है, सब कुछ यहाँ पे पूरा साझा कर दिया गया है। आप सभी को बता दें कि यहाँ पे लेटर को सीधे लेटर में चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। हाँ, लाइक और सब्सक्राइब में कोई कंजूसी ना करें। सभी पेंशन भोगियों जितने भी हैं, नीचे एक लाइक का बटन है, शेयर का बटन है, सब्सक्राइब का बटन है, वो आपके लिए है। उसे हम प्रोत्साहित होकर आपके लिए हमेशा वन रैंक वन पेंशन की न्यूज लेके आते रहते हैं। तो आप सभी को बता दें कि ओआरओपी की सबसे सही और सबसे सरल और सबसे एकदम स्पष्ट जानकारी इसी चैनल में मिलती है। तो आप सभी को जितना भी हो सके सपोर्ट कीजिए चैनल को ताकि आपको हमेशा न्यूज मिल पाए। यहाँ पे रक्षा मंत्री को 12 सितंबर को भेजा गया लेटर, देख सकते हैं ऑनरेबल रक्षा मंत्री 104 साउथ ब्लॉक न्यू दिल्ली 110011। यहाँ पे बड़ी न्यूज निकल के आ गई है, नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एसएससी मतलब जजमेंट डेट 16 मार्च, जो कि 16 मार्च 2022 को वर्डिक्ट आया था हमारे सुप्रीम कोर्ट का, तीन महीने के अंदर हमारे पेंशन भोगियों को उनका एरियर उनका हक उनको मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सरकार की चूक होते हुए दिख रही है और अब अंतिम निर्णय मतलब फाइनल स्टेज में ओआरओपी आ चुका है। जल्द से जल्द पिटारा खुलने में अब ओआरओपी का खुलने वाला है। तो पेंशन भोगियों आप एक्टिव हो जाइए जल्द से जल्द, जैसे स्पर्श का भी काम पूरा हो चुका है अब ओआरओपी का काम में लगी है सरकार। और क्या वर्डिक्ट निकल के आता है, क्या निर्णय निकल के आता है, क्या फैसला होता है, ये हम देखेंगे। तो बरकरार रहिए हमेशा, आपको ऐसी अपडेट मिलते रहेगा। और आप इनका ट्वीट खुद से भी देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट में जाके, आप ट्वीट में फॉलो भी कर सकते हैं, गूगल में भी देख सकते हैं। ट्वीट हमारे मेजर सतवीर साहब ने किया है, हमेशा वही अपडेट देते रहते हैं। इसी के साथ मैं शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।